अवार्ड्स बहुत ही अलग किस्म के अवार्ड्स हैं. ऐसे कहते हैं दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका मतलब है कि आप आम नहीं हो, यू नो, अलग हो. तो और मेरे ख्याल से मैं काम इसीलिए करता हूँ कि मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहे और ऑर्डिनरी ना रहे. उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना यही है कि अपने लाइफ को आप जितना सिंपल रखोगे और रियल रखोगे, उतनी ही और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी ज़िंदगी बनते जाएगी. हाँ, मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि एक्टर्स एक्टर्स होते हैं, हम लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं और इसीलिए हम खुशी लाना चाहते हैं लोगों को. यू नो, वी वांट टू एंटरटेन पीपल. तो पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग डजंट गो हैंड इन हैंड. हाँ, व्हाट यू, आप सर क्या पूछ रहे थे? सर, मैं ये बोल रहा था कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है आपके अंदर? आई थिंक मेरे ख्याल से जब मुझे अवार्ड मेरे एक्टिंग के लिए मिलती है तो ऑब्वियसली दोज आर द वंस व्हिच आर वेरी वेरी स्पेशल. तो जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, जब यू नो रॉक ऑन के लिए, यू नो, या फिर राजनीति के लिए, या फिर रावण के लिए, तो ऑल दोज आर वेरी इम्पोर्टेंट. अरे सर, अर्जुन, हमने आप पे एक फोटोशूट भी देखा फॉर अ कैलेंडर, दैट वाज आप शायद वहां पे थे नहीं, लेकिन वो स्टंट रिस्की आल्सो, द फाउंडर आल्सो टोल्ड अस. हां, वो डब्बू रद्दानी के कैलेंडर के लिए था जी. तो अभी 18 साल हो गए मेरे और डब्बू रद्दानी के साथ ये कैलेंडर करते वक्त. तो आई थिंक वो थक गए मुझे देखकर. तो मुझे कैसे एज पर लेकर गए थे, आई थिंक वो 50th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, उन्होंने मुझे एज पर खड़ा किया और मुझे लगता है वो धक्का देना चाहते थे मुझे कि नेक्स्ट ईयर मैं उनके कैलेंडर में ना रहूँ. अभी मैं फिल्म की शूटिंग जो चल रही है वो है पल्टन. वो JP दत्ता सर की फिल्म, इट्स अ वॉर फिल्म, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स. तो उसकी शूटिंग चल रही है. आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ राइट नाउ टू शूट इट. आई थिंक जून जुलाई तक रिलीज हो जानी चाहिए. थैंक यू.